शिरघाटी प्रीमियर लीग 2022 SPL सीजन 3 के फाइनल मुकाबले में सोप क्रिकेट क्लब सोप ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। रंगलाल इंटर स्कूल के मैदान में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का परिचय हुआ। मौके पर NCC के छात्रों ने मार्च पास्ट किया, फिर राष्ट्रगान के बाद गया जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रियंकर कुमार ने टॉस कराया और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर अंपायर सुनील सिंह और वेद प्रकाश ने टीम के कैप्टन को मैच के रूल को लेकर जानकारी दी। फाइनल मुकाबले में पहुंची पटना की टीम कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी और बारह चट्टी गया की टीम सोप क्रिकेट क्लब के कप्तान क्रमशः संतानु चंद्रा और मुकेश कुमार ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे थे। पटना की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। पहली पारी खेलते हुए सोप क्रिकेट क्लब सोप ने निर्धारित 20 ओवर के पूर्व 18 ओवर एक बॉल में ही सभी विकेट खोकर 195 रन बनाकर प्रतिद्वंद्वी टीम को जीत के लिए 196 रन का लक्ष्य दिया। सोप क्रिकेट क्लब के अंकुश रंजन ने 10 चौका और 3 छक्का की मदद से 33 बॉल में सर्वाधिक 62 रन बनाया, जबकि बॉलिंग करते हुए बिहार रणजी ट्रॉफी प्लेयर कुमार रजनीश ने 3 ओवर में 5 विकेट चटकाए। जवाबी पारी खेलते हुए कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी पटना की टीम ने 19 ओवर में 127 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह से सोप क्रिकेट क्लब सोप ने 38 रन से SPL सीजन 3 का खिताब अपने नाम कर लिया। रियान शाही क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर अबूजर पठान ने बताया कि SPL सीजन 3 में कुल 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें मगध पैंथर क्रिकेट एकेडमी गया, त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी छपरा, रफीगंज वॉरियर रफीगंज औरंगाबाद, सोप क्रिकेट क्लब बाराचट्टी गया, सारण क्रिकेट एकेडमी परसा और कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी पटना शामिल है। इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 9 मैच खेला गया। मैच का आंखों देखा हाल बिहार के मशहूर कमेंटेटर PN शेखर अपने अनोखे अंदाज में सुना रहे थे। स्कोरर की जिम्मेदारी संगम कुमार ऑफलाइन और रोहित शाह ऑनलाइन संभाले हुए थे। रियान शाही क्रिकेट एकेडमी के संटू कुमार, आशीष कुमार, मोहम्मद छोटू, संगम कुमार आदि छात्रों ने टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरस्कार वितरण से पूर्व वक्ताओं ने SPL के आयोजन को लेकर रियान शाही क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर अबूजर पठान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से नई प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए SPL का शुमार एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में होता है। इस मौके पर आमस प्रखंड प्रमुख और विधायक प्रतिनिधि लड्डन खान, JP सेनानी, मसरूर आलम, राजद नेता वसीम अकरम, आमस सरपंच संघ के अध्यक्ष रामाधार सिंह, गया जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव चुन्नू यादव, सिलेक्टर असद शाहीन, पूर्व अध्यक्ष प्रियंकर कुमार, जदयू नेता वारिस खान के अलावे आमिर खान, तन्नू भाई, मनोज कुमार, शौकत अली, खुर्रम खान, इमरोज अली, सैयद सैफी, सैयद बाबर आदि अतिथियों ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मोमेंटो, गिफ्ट, मेडल आदि देकर पुरस्कृत किया। SPL 3 के लिए फाइनल के मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट सोप क्रिकेट क्लब के निक्कू सिंह चुने गए। वहीं बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी पटना के आदित्य कुमार तथा बेस्ट बॉलर का सोप क्रिकेट क्लब के निक्कू सिंह और बेस्ट फील्डर का पुरस्कार मगध पैंथर क्रिकेट एकेडमी गया के खिलाड़ी जाहिद खान को दिया गया। इमरान अली, बिहार आजकल। तो आज पटना की टीम ने टॉस जीता है और उसके कैप्टन यहाँ पे हैं, दोनों ही टीम के। हम जानना चाहेंगे क्या परिचय हुआ आपका? सर, शांतनु चंद्रा जी। शांतनु चंद्रा नाम है। शांतनु चंद्रा, आज आप फाइनल तक पहुँचे हैं इस मैच में, क्या उम्मीदें लग रही हैं, किस तरह का मुकाबला होगा? सर फाइनल सर बड़ा मैच है, सर फाइनल है, सर दोनों टीम सर काफ़ी अच्छा खेल कर ऊपर तक आई है। सर उम्मीद यही को सर अच्छा मैच हो सर, बस अच्छा। हाँ, और सर जीते हम लोग। जो और बाकी का आपने लीग मैच खेला, किस तरह का प्रदर्शन रहा आपके, कौन से प्लेयर ने बेहतर किया यहाँ पर? सर हमारे टीम में सर सारे प्लेयर सर काफ़ी अच्छा करते आ रहे हैं, इसलिए सर हमारी टीम फाइनल तक पहुँची है। अच्छा। और हमारे साथ सोप टीम के कैप्टन हैं, क्या परिचय हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार,
मुकेश जी, आप का एक छोटा कस्बा है आपका जी, और शिरघाटी अनुमंडल का एक हिस्सा है, लेकिन एक बड़ी टीम से आज आपका मुकाबला है या फाइनल तक आप पहुँचे हैं, कैसे इतना कुछ कर पाई आपकी टीम? खिलाड़ी जगह से नहीं, खेल से देखा जाता है, जगह से थोड़ी देखा जाता है सर। तो हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर खेले जी, मतलब मिल के खेले, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे। सभी लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं। बाकी का जो लीग मैच खेला आपने, उसमें किस तरह से कौन कौन खिलाड़ी आपके बेहतर करते रहे? सारे लोग अच्छे किए हैं। आज क्या उम्मीदें हैं आपकी? आज भी अच्छे करेंगे, फाइनल का थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा करेंगे। ऐसे भी बिहार टूर्नामेंट को लेकर क्या कहेंगे, इस तरह का टूर्नामेंट जो आयोजित किया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके लिए हम सबको यही कहेंगे कि हम लोग सभी का ये काम होना चाहिए कि जो भी इस टूर्नामेंट को अथी कर रहा है, उसे हम लोग उत्साहवर्धन करें और उसको और मोटिवेशन देकर कि इससे भी बढ़िया खेल के लिए प्रारंभ करें, ताकि ये T20 के द्वारा देखा जा सकता है कि आपकी क्या प्रतिभा है। और हमारे गया जिला क्रिकेट संघ हमेशा इस कोशिश में रहती है कि वन ऑफ द बेस्ट दें, और गया जिला ऐसे भी पूरे बिहार में T20 में वो चैंपियन भी रही है। हमारे सारे खिलाड़ी हैं, ये लोग हमेशा हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा किए हैं, और आज भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे लोग हमेशा मनोबल ऊंचा करें। खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे आप? खिलाड़ी को यही कहेंगे कि अपना बेस्ट दें, अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं, अपना पूरा बेस्ट दें। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं गया जिला क्रिकेट संघ का पूर्व अध्यक्ष और अभी CEO हूँ। क्या नाम हुआ सर? प्रियंकर कुमार। थैंक यू।